जनपद गाजीपुर सहित प्रदेश के 6 जनपदों में एक दिन पूर्व निकाली गई जन विश्वास यात्रा का आज दूसरा दिन रहा। वहीं जनपद गाजीपुर में यह यात्रा आज जमानिया विधानसभा पहुंची, जहां पर एक जनसभा का आयोजन किया गया था और इस जनसभा को इस रथ यात्रा में शामिल कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, धर्मदेव प्रजापति सहित तमाम लोगों ने आम जन के सामने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उत्तर प्रदेश सरकार की सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत ने अखिलेश यादव को मानसिक रोगी और ढोंगी तक कह डाला। ये है बहुत उपयोगी, प्रधानमंत्री जी ने कहा यूपी प्लस योगी, ये है बहुत उपयोगी। जब इतनी बड़ी बात वो कहे तो विपक्ष के नेता बौखलाए हुए, जो हमारी 5 साल की उपलब्धियों को नहीं बचा पा रहे हैं वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। सपा के अखिलेश यादव जी ने हमारे भगवाधारी नेता को, हमारे तिलकधारी नेता को कभी चिलमधारी कह रहे हैं, तो कभी जिसे जनता जान रही है कि यह बहुत उपयोगी है, उस उपयोगी नेता को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, तब अखिलेश जी ने कहा कि योगी है बहुत अनुपयोगी। मैं इस मंच से कहना चाहूंगी कि हमारे उपलब्धियों को देखकर विपक्ष के अखिलेश यादव हो गए हैं मानसिक रोगी, और जनता पूरी तरह से जान चुकी है कि चुनाव आने पर गंगा जी में डुबकी लगाने वाले और चुनाव आने पर जनेऊ धारण करने वाले ये मानसिक रोगी, ये नेता नहीं, ये है असली धोगी, ये है असली धोगी। भाइयों, आज आप देख रहे होंगे नए भाई दिखेगा, ना भाईजान दिखेगा, लोग भाग भाग के भागते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सीमा देखते हैं तो फिर इतनी तेज भागते हैं कि वो पाकिस्तान में पहुंच जाए। दोस्तों, अपराध जो लोग राइफल बंदूक लेके घूमा करते थे गाजीपुर को सबने देखा है, वो किसका शोषण करते थे? वो अमीरों का शोषण नहीं करते थे, वो जो गरीब माताएं बहनी इन्हीं का शोषण करते थे। राशन पहले भी आता था लेकिन कोटेदार खा जाता था, समाजवादी गुंडे उसे कमीशन लेते थे। आज मुझे लगता है कि राशन की दुकानों से सबको फोन आता होगा कि अपना राशन आ गया है, उसको उठा लीजिए। थोड़ी बहुत अगर कमियां बची हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि विधायक जी को एक बार और आप मजबूती से जिताइए, हम सब मिलके इन कमियों को दूर करने का काम करेंगे। समय ज्यादा नहीं है लेकिन आप ये याद रखिएगा कि आपको सरकार उसकी बनानी है जो सैफई महोत्सव देखता हो, जहाँ रंगलियां बनती हो, नाच गाने पूरा परिवार बैठ के देखता हो, कि सरकार उसकी बनानी है जो अयोध्या की दिवाली पूरी भारत को दिखाता हो। मुझे लगता है हम राम के वंशज हैं, हमें दिवाली देखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप सभी आए।